एक बड़े आंदोलन को मजाक माहौल उड़ाया, उन्होंने हंस हंस के कल जाए, गंभीरता नहीं थी उनकी किसी बात में। अहंकार जो है दो ही व्यक्तियों का इतिहास में है, रावण का और दुर्योधन का। प्रधानमंत्री ने भी कल जो भाषण दिया उसमें अहंकार झलक रहा था। हमको ट्रैप में फंसाने का प्रयास करते हैं, हमसे कहा क्या खामियां हैं, हमने खामी बताई तो कहने लगे इनको बदल देते हैं, यानी कि खामी है उनको स्वीकारना चाहिए कि हमारे इश्यूज हैं, हमारे इश्यूज हैं, हमसे हमसे डिबेट करने पे क्यों बचते हैं, क्यों नहीं करना चाहते। सरकार का को सोचना है क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन हमने कहा अहंकार को तोड़ेंगे। किसान नेता युद्धवीर सिंह हमारे साथ हैं, फिलहाल यहां कुरुक्षेत्र के अंदर लगातार उन्होंने यहां पर जनता को उद्बोधन भी किया और किसानों को आह्वान किया कि लगातार किसानों को और इस किसान आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाए। युद्धवीर जी, लगातार जो है आपका जो है भाषण देखते आ रहे हैं, आप लगातार किसान आंदोलन को और तेज करते जा रहे हैं, आज संज्ञा दी आपने, रावण की संज्ञा दी है देश के प्रधानमंत्री को, इसके बाद रावण की संज्ञा, क्योंकि अहंकार जो है दो ही व्यक्तियों का इतिहास में है, रावण का और दुर्योधन का। प्रधानमंत्री ने भी कल जो भाषण दिया उसमें अहंकार झलक रहा था, वो मतलब किस क्या भाषा, हम जमात के लोग हैं, हम मतलब हम पे FDI, हम विदेशी मतलब मोर हैं, हम विदेशों से हमारा इंस्पायर है हम और वो कर रहे हैं, इस तरह की एक बड़े आंदोलन को अब मजाक मखौल उड़ाया, उन्होंने हंस हंस के कल जा, गंभीरता नहीं थी उनकी किसी बात में, उनको स्वीकारना चाहिए कि हमारे इश्यूज हैं, हमारे इश्यूज हैं, हमसे हमसे डिबेट करने पे क्यों बचते हैं, वो क्यों नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते उन कानूनों को। उन्होंने हमको ट्रैप में फंसाने का प्रयास करते हैं, हमसे कहा क्या खामियां हैं, हमने खामी बताई तो कहने लगे इनको बदल देते हैं, यानी कि खामी हैं, हमने खामी गिनवा दी, खामी गिनवाते ही उनको बदलने के लिए तैयार हो गए। हम कह रहे हैं बदलने से काम नहीं चलेगा, पूरा कानून गड़बड़ है, इसमें कमियां हैं, इसको आप वापस ले लें तो क्या जिद है हमारे लिए बना। वो कह रहे हैं इससे किसान निहाल होगा, हम कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए, धन्यवाद। काल वो जो है राज्यसभा में कृषि मंत्री भी ये कहते हैं कि काला क्या है ये बता नहीं पा रहे, 11 बार तो बताया उनको, बताया उसी काले को जान के सरकार ने हमको ऑफर दी कि हम ये बिंदु है जिनको संशोधन कर देते हैं। प्रधान कृषि मंत्री ने ही ऑफर दिया, उन्होंने ही स्वीकारा कि इसमें कमियां, जब कमियां हैं तो हमको चेंज नहीं करानी का वापिस लो कानून को, उसमें क्या। ट्रैक्टरों की जो संख्या है और बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई मंच से, अब इसके बाद जो है हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब देश में जन आंदोलन को लेकर देश में होगा, देश में पहले भी 26 जनवरी को आपको पता 10,000 ट्रैक्टर जो है वो कर्नाटका में थे, अकोला में जो है वो हजारों ट्रैक्टरों की रैली निकली थी, पूरे महाराष्ट्र में कर्नाटक में ये सब हुआ है पहले, और जो अगला हमारा टारगेट है उसमें हर तहसील में हर राजधानी में ट्रैक्टर लेके किसान अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि ये जन आंदोलन है और पूरे देश में है जहां सरकार नहीं मान, प्रधानमंत्री जो प्रचारित कर रहे हैं क्षेत्र विशेष का आंदोलन है उसका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अब इसके आगामी जो है राजस्थान की आदि बात की जा रही थी, महाराष्ट्र में की जा रही थी, किस तरह की रूपरेखा है? राजस्थान में हमारी मीटिंग ऑलरेडी शुरू होगी, 9 मीटिंग कर चुके हैं और अभी 2 बड़ी मीटिंग हमारी इस महीने में प्रस्तावित है, अकोला भी इसको हम जा रहे हैं। लगता है सरकार फिर वार्ता के दौरान, सरकार का को सोचना है क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन हमने कहा अहंकार को तोड़ेंगे। लंबा कितना चलेगा वो, हम बिल्कुल एकदम योजना लंबी बना रखी है। ये थे युद्धवीर जो किसान नेता, उन्होंने बताया कि उनकी जो रणनीति है अब सरकार को लगातार उनका जो प्रयास है वो चाहे 3 साल लगो 4 साल वो लगातार इस आंदोलन को ये खड़ा करके दिखाएंगे कि जहां सरकार इसे क्षेत्र का आंदोलन बता रही है इसका जन आंदोलन का जो तस्वीरें हैं वो सरकार के समक्ष रखी जाएंगी जिसको लेकर आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। आज कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत और युद्धवीर ने लगातार आह्वान किया, अब आगामी रणनीति पर भी हमारी नजर रहेगी, इस तमाम पहलुओं पर आप क्या कहते हैं, जहाँ अहंकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युद्धवीर ने बताया, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शुक्रिया।